कि ज्योति मौर्या के कुछ बन जाने के बाद उसकी भी जिंदगी सूर्यवंशम मूवी के हीरा ठाकुर जैसी होगी, लेकिन जिंदगी बेवफा सनम निकली। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए कीड़े। रिसेंटली एक जीके क्विज में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया का सबसे जहरीला जानवर कौन सा है। ऑडियंस में बैठा एक शख्स, उसके मुंह से गलती से निकल गया इंसान। मालूम है जो क्विज का ऑर्गेनाइजर था उसके हेड ने पार्टिसिपेंट्स को छोड़ के उसको अवार्ड दे दिया। आइकन कहे जाने वाले लोग गुटखा बेच रहे हैं, महानायक दिन रात घर में बैठकर भुजिया खा रहा है, किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं है और कोई अपनी बीवी के कपड़े पहनकर रियलिटी शोज में जा रहा है। समाज में चुतियों की संख्या में अभूतपूर्व इस वृद्धि का कारण बॉलीवुड है। दो चार शॉर्ट वीडियोस और इंस्टाग्राम रील्स में नंगा नाचने के बाद लौंडा खुद को शाहरुख खान समझ लेता है और दो चार कपड़े उतर जाने के बाद कई लड़कियों को अपने अंदर ऐश्वर्या राय का रूप दिखाई देता है। ऐसी ही एक हृदय विदारक दर्द निवारक घटना उत्तर प्रदेश में घटी, जहां पे एक पति ने अपनी पत्नी को बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा कर SDM बनाया और बदले में उसी पत्नी ने उपहार स्वरूप अपने पति को BPL लगाया। ये BPL क्या है? बम्पेलात चतुर इत्थे इत्थे। कहीं ना कहीं SDM ज्योति मौर्या के पति ने ये सोचा होगा, ये सपना देखा होगा कि ज्योति मौर्या के कुछ बन जाने के बाद उसकी भी जिंदगी सूर्यवंशम मूवी के हीरा ठाकुर जैसी होगी, लेकिन जिंदगी बेवफा सनम निकली। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एहसान फरामोशी का नया एग्जांपल सेट करने वाली ज्योति मौर्या को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। कई लोगों ने अपनी बीवियों की पढ़ाई छुड़वा दी, कई लोग लाइव कोचिंग से अपनी बीवी को उठा ले गए कि आगे की पढ़ाई नहीं करनी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं जहाँ पे एक औरत ने छोटी सी सफलता मिलने के बाद अपने पति को यह कहकर छोड़ दिया कि उसका पति उसके लिए कंपेटेबल नहीं है, छोटा है, काला है, मोटा है। अचानक से 10-12 साल बाद एक औरत को यह याद आता है कि उसका पति उसके लिए ठीक था ही नहीं, और पति बेचारा सपने में भी नहीं सोचा होगा कब भरोसे वाली बन जाएगी। खैर, मुझे ज्योति मौर्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने ऐसा क्यों किया उसे कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम उन चमन चतुरों से है जो ज्योति मौर्या के इस कांड को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सालों से मर्द बेवफाई करते रहे हैं, एक औरत ने कर दिया तो लोग तिल मिला उठे। ये तिल मिलाने वाली कौन सी बात हो गई? ये तो वही वाली बात हो गई कि एक मंत्री दूसरे मंत्री से ये कह रहा है कि अरे तुमने तो 4 घोटाले करे थे, मैंने एक ही करे तो बड़ी बात हो गई। सजा का हकदार हर कोई है, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर ऐसी हरकत करती है तो। ऐसी औरतें उन औरतों को भी बदनाम करती हैं जो अपने पति और परिवार के सपोर्ट के लिए दिन रात एक कर देती हैं, सक्सेस का एक नया एग्जांपल सेट करती हैं। अक्सर हम समाज में सोशल इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी, औरत मर्द बराबर है जैसी बातें करते हुए दिख जाते हैं, फिर औरतों की ऐसी हरकतों पर सपोर्ट करने वाले ये लोग कौन हैं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक बात और, अगर छोटी सी चीज के लिए, छोटी सी सक्सेस के लिए ये औरत अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ जा सकती है, तो कल को किसी बड़े प्रमोशन के चक्कर में उस बंदे को छोड़कर किसी और के साथ भी जा सकती है। ये वो सांप है जिसको जितना भी दूध पिलाओ एक दिन तुम्हें ही डसेगा। और अंत में यही कहूंगा, रहीमन देख की सफलता को लियो जीव लपकाए, अपने पति को त्याग के लियो केहु अपनाए, पति का है रोवत फिरे नैनन अश्रु बहाए, मिलत दुई लपड़ दियो कहो भाण में जाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।